हुई है, एक ही रात में लगातार दो जगह मुठभेड़ हुई है। मैंने आपको पहले भी बताया, एक बार फिर से बता रहा हूं, परतापुर पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। रणवीर सिंह एसपी हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। रणवीर जी, आपका भारत समाचार पे बहुत बहुत स्वागत है। माफ कीजिएगा, रणविजय जी नाम है आपका। रणविजय जी, बड़ा आपने मशक्कत की है, पूरी रात आपने मशक्कत की है, दो अलग अलग मुठभेड़ हुई है, एक 25,000 का इनामी बदमाश को भी आपने पकड़ा है, वकील नाम है, जरा पूरी डिटेल बता दीजिए। देखिए, इसमें सबसे पहले मैं बता दूं कि हमारी मशक्कत लगातार चल रही है, लगातार चलती है, और हम लोग बेसिकली अपराधियों की धरपकड़ में लगातार लगे रहते हैं। प्रयास ये रहता है कि हम पूरे अपने इस शहर को सुरक्षित रखें। रात इसी क्रम में दो थाना क्षेत्रों में जब हमारी चेकिंग चल रही थी, तो वहां पे ये बदमाशों को जब रोकने का प्रयास किया गया, इन लोगों ने पुलिस पार्टी पे ही फायरिंग शुरू कर दी। इसी क्रम में एक प्रतापपुर क्षेत्र में दो बदमाशों को गोली लगी, और रेलवे रोड हमारा थाना है एक, वहां पे एक बदमाश को गोली लगी जी। तो ये हमारा जो एक प्रयास रहता है कि हम जनरली अपराधियों का मूवमेंट जो जिस समय होता है, उस समय स्ट्रेटजिक पोजीशंस में हम लोग अपने डिप्लॉयमेंट रखते हैं, और जब चेकिंग करने के समय इस तरह की बात होती है तो पकड़ने का प्रयास किया जाता है। प्रयास ये रहता है कि हम उनको पकड़ लें और गिरफ्तार करके अपना अपनी कार्रवाई करें, लेकिन जब ये पुलिस पार्टी पर अटैक करते हैं तो हमें भी अपने सेल्फ डिफेंस में ये प्रयास होता है, सेल्फ डिफेंस में, और उसी में इनको भी ये घायल हो जाता है। रणविजय जी, आपको बहुत शुभकामना। आप इसी तरह से अपराध को बढ़ाने वाले लोगों को पकड़ते रहिए, मारते रहिए, गिराते रहिए, बहुत शुभकामनाएं आपके। आगे बढ़ेंगे, संभल से खबर है, पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई है।